छोटे से ग्राउंड में क्रिकेट खेलने वाला, क्रिकेट मैच में चंद मखसूस डायलॉग बोलने पर फेम पाने वाला नौजवान इमरान जान कैसे एक कामयाब क्रिकेट कमेंटेटर मशहूर हुआ। कमेंटेटर इमरान जान की जबरदस्त बातें और दिलचस्प कामयाब कहानी उन्हीं की जबानी। स्ट्राइक पर मौजूद है बैट्समैन, बेहतरीन पेस का इस्तेमाल करें और बेहतरीन शॉट खेले, एक्स्ट्रा कवर की जगह खेले, एक बेहतरीन फलक शगाफ छक्का लगाया, आपके सामने एक जबरदस्त फलक शगाफ छक्का है, ये हमारा कमेंट्री करने का स्टाइल है। सुनो, देखो और बोलो अलबरका उर्दू। जी, तो हमारे साथ एक ऐसे दरिया खान के उभरते हुए सितारे मौजूद हैं जो कमेंटेटर हैं। अभी हमने इनकी कमेंट्री भी सुनी, जबरदस्त और कमाल किस्म की कमेंट्री कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे, देखेंगे क्या कहना है। इस टाइम इन्होंने मतलब किस हद तक देखा, किस हद तक संजीदा पाया इस मैच को, तमाम तर बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। आपने सर, आपका नाम? इमरान जान। इमरान साहब, मुझे ये बताएंगे कि कैसा लगा मैच, कुछ संजीदगी थी या नहीं? मैडम, ये हमारा फर्स्ट चांस नहीं है, हम ओवरऑल ये करते रहते हैं, हमारा तकरीबन 4 साल से ये हमारा प्रोफेशनल शोबा है, हमें हर मैच भी एक्साइटेड लगता है, हर मैच ही एक्साइटेड लगता है। सर, लेकिन कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जिसमें एक्साइटमेंट थोड़ी ओवरलोडेड हो जाती है, तो उस हवाले से क्या? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि जो एक्साइटेड ये मैच जो दो टीमें आज खेल रही थी, इनका आपस में बहुत ही जारहाना अंदाज से इनका जो स्टाइल था वो देखने वाला था, और बहुत ही, और जिस तरह से शायकीन की तादाद मुझे देखने को मिली वो काबिले तारीफ थी। किस चक वाले बहुत ही क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और क्रिकेट से इनको बहुत लगाव है। इस टाइम कौन सी टीम ऐसी है जिसने विन किया? जी, इस टाइम आपने आपके सामने खेला है, न्याजी टाइगर ने अभी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। सही। अच्छा सर, छक्का लगाने पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे बताएं कि आप किस तरीके से उसे परफॉर्म करेंगे या किस तरीके से करेंगे, तो कैसे करेंगे? जिस तरह कहते हैं कि जब स्ट्राइक पर बैट्समैन मौजूद हो, तो हम कहते हैं कि स्ट्राइक पर मौजूद है बैट्समैन, बेहतरीन पेस का इस्तेमाल करें और बेहतरीन शॉट खेले, एक्स्ट्रा कवर की जगह खेले, एक बेहतरीन फलक शगाफ छक्का लगाया, आपके सामने एक जबरदस्त फलक शगाफ छक्का है, ये हमारा कमेंट्री करने का स्टाइल है। आप मुझे ये बताएं, हर इंसान की एक पसंद नापसंद होती है पर्सनल में, ऐसा भी होता है कि समटाइम ऐसा होता है हमारा पर्सनल जो हमें द मोस्ट फेवरेट होता है वो आउट हो जाए, फिर क्या दिल से फिर भी कमेंट्री चलती है? बिल्कुल जी, हमारा शोबा है, हम प्रोफेशनल है, हमें तो बॉलिंग पे भी अप्रिशिएट करना होता है और आउट करने पर भी हमें बॉलर को दाद देनी होती है। जब बॉलर विकेट लेता है तो हम कहते हैं बेहतरीन पेस का इस्तेमाल किया, इस मरतबा बेहतरीन वेरिएशन का इस्तेमाल किया और यहाँ पे विकेट हासिल किया है अदील आमिर ने, जिस तरह भी जो भी बॉलर हो, ये हमारे होते हैं। जी जी बिल्कुल जी। अच्छा, अभी तक आप मुझे ये बताएं कि तमाम तर टीम्स तो आपके सामने रही थी, कमाल परफॉर्मेंस किसकी रही? अगर कहा जाए कि एक काबिले दीद परफॉर्मेंस रही है तो वो कौन सी टीम? वैसे ओवरऑल इस टूर्नामेंट में 24 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो आज आपके सामने नियाजी टाइगर में से खेले हैं जी, मती खान एक लड़का है, और इसके अलावा आसिफ वागबरा, बहुत ही अच्छे कमाल के खिलाड़ी हैं, और इसके अलावा बॉलिंग में भी मुझे बेहतरीन परफॉर्मेंस लगी है अदील आमिर लड़का है और फैसल नियाजी, और इस टीम में एक यंगस्टर टीम आई है, मैं उसके बारे में आपको बताता चलूँ, आला बास्केट क्लब जो दरिया खान से अभी खेली है, उनमें 3-4 प्लेयर ऐसे हैं कि वो आगे की तरफ जाएंगे, मुझे लग रहा है जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है वो आगे की तरफ जाएंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जैसे यहाँ पर मोस्टली ये रिवाज नहीं है, मतलब कमेंट्री की तरफ तो कोई मैंने रुझान किसी का भी नहीं देखा, पहली बात ये बताएं कि कहाँ से ऐसे शौक हुआ? मैडम, मैं वैसे आप खुद मैं क्रिकेटर हूँ, मुझे शौक था क्रिकेट खेलने का, पिछले 10-12 साल से मैं क्रिकेट से टच हूँ, तो पिछले 3 साल पहले से मुझे शौक था कमेंट्री करने का, मैं छोटे छोटे टूर्नामेंट्स वगैरह में जाता था, मैं इसका शौक था, मुझे शुरू से शौक था कि मैं कमेंट्री करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब उस स्टेज पे आ गया हूँ कि मेरा नाम बन गया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हौसला अफजाई के लिए कह दें या एक दाद के लिए आपको जब कोई पेमेंट वगैरह दी जाती है, या किस तरीके से आपको मतलब एक मोटिवेट कह दें किया जाता है, चलें आप ना हौसला अफजाई अपने अंदाज में करें। जब हमें कोई चीफ गेस्ट आके हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हम कहते हैं कि इस वक्त हमारी ग्राउंड की जीनत और स्टेज की जीनत बने हुए हैं, जो भी चीफ गेस्ट होते हैं उन्होंने अपने जेब खास से हमें 1,000 रुपये, 10,000, 5,000 जितना भी होता है, फिर हम उनको अनाउंस करते हैं इसी तरीके से। सर, पूरे जोश के साथ हमें वो सुनाए। अच्छा, ना समझे मैंने आपको। चलेंगे जी, इस वक्त स्टेज की जीनत बने हुए हैं मलिक सकलेन साहब, जिन्होंने बेहतरीन कमेंट्री करने पर इमरान जान को 1,000 रुपये देने का ऐलान किया, हौसला अफजाई का बंडल ऑफ थैंक्स, थैंक यू सो मच जी। हमारा